बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मास्टर जाफर बंगश एक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा, अक्सर अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो गई थी ख्वातीन के हवाले से कि ख्वातीन पे तशद्दुद किया जाता है। तो देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, आपको प्रैक्टिस है, तो इससे क्या होता है कि एक आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होती है। जब आप जाने अनजाने में किसी के ऊपर वार करते हो ना, तो वो आपके ऊपर बड़ा मतलब आपको भी इतमाद में लेते हैं कि हमने बड़ा अच्छा मतलब हमारे अंदर ये चीज़ मौजूद है, ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो अगला जो बंदा होता है ना, वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि मेरे साथ हुआ क्या है। अच्छा, अक्सर क्या होता है, ख्वातीन को लोग जो है ना वो ऐसे पकड़ लेते हैं, तो ये कानों से पकड़ना, बालों से पकड़ना या ऐसे पकड़ना। तो उस सूरत में हम आम लोग भी ये कर सकते हैं, वो ख्वातीन भी कर सकते हैं। खुसूसन मसलन मैं इसको ये हेलमेट पहनाएं ताकि इसको चोट ना लगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने करना क्या है। पहनो, सही। अच्छा, हम ये जो आपकी जगह है हथेली, इसके अंदर बहुत पावर होती है। बेटे ज़रा, मसलन ये सामने मेरा ये बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं ये इसके नाक पे, और ये डरो नहीं ना, मैं नाक पे और नाक के नीचे अगर मैं इसको मतलब यूँ मारता हूँ, यूँ करने से वो इसके ये होंठ होते ना, इसको बड़ा मतलब चोट लग सकती है। सपोज़ करो मसलन, बैठ जाओ, सही है ना। अब इसने मुझे यहाँ से पकड़ो, अब ये पकड़ा हुआ है, सही। अब आपने क्या करना है, ये देखो, ये वन थोड़ा सा एक मिनट, ये एक हाथ हटाओ ताकि उनको नज़र आए। समझ लो हमने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है, सही है ना। ये ऐसे मारना है, अब ये यहाँ से मारें तो अच्छे से। अच्छा, ये तो मैंने इनको ये प्लास्टिक ये चीज़ पहनाई हुई थी मतलब, तो इनको नहीं लगा। अगर ये हम मतलब ज़ोर से मारेंगे तो ये बहुत ख़तरनाक लगता है। मसलन यूँ मारते तो ये नाक हमारे ऊपर चली जाती है। जब ऊपर चली जाती है तो नाक के जो होंठ के जो नीचे का गोश होते हैं वो बड़ा नाजुक होता है, वो पर्दा पड़ जाता है, तो एक खून का पुहारा निकलता है। तो अगर ख्वातीन के साथ कोई ऐसे मतलब इज़्ज़त का मसला है, मैं इसलिए आहिस्ता बोल रहा हूँ कि मतलब इधर काफ़ी ख्वातीन भी बैठी हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आपको सुनाई दे। तो जहाँ तक इज़्ज़त का मामला आ गया तो आपने उस वक्त दिफा करना है, सही है। अभी क्लास के पहले मैंने अपनी स्टूडेंट्स को करवाया भी है, तो अभी वो आपके सामने बाकायदा डेमो करेगी कि वो कैसे करेगी, सही है। बेटा आ जाओ, उतारो, यहाँ आ जाओ बेटा, एक मिनट, सही है। अब आपने मसलन थोड़ी देर के लिए हम सपोज़ करते हैं कि एक लड़का है और किसी को छेड़ना या कुछ इस तरह कोई वाक़ात होता है, तो वो अपने दिफा कैसे करेंगे, रिएक्ट करो, सही है। वन लगा तो नहीं आप, सही है। स्लो मोशन दोबारा करो, वन, हाँ स्लो मोशन में करो ताकि उनको समझ में आए, वन, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, बस, सही। अच्छा, करना हमने क्या है, सपोज़ करो, आओ इधर मेरे करीब आओ। इसने मुझे यूँ पकड़ा हुआ, ये अपना जो हाथ है ना, ये इसको यूँ मारना है, यूँ मारना है। इससे क्या होगा, अच्छे से अच्छा बंदा, बस आप बोल लो बेटा, सही है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसमें हम दूसरी चीज़ें, ये पहनो, दूसरी चीज़ पकड़ते हैं, ये हाथ नीचे ताकि उनको नजर आए। मतलब इसने मुझे यहाँ से पकड़ा या बालों से पकड़ा है या अपने शोल्डर से कहीं से भी पकड़ा, यहाँ से ये जो हम हाथ मारते हैं ना, ये बड़ा पावर से लगता है। वन वन मारने के बाद आपने फौरन से ये यूँ आए, सही। अब इसी को दबाना है आपने, बेटे इधर से आओ, ये पोजिशन है। अब ये देखे, ये स्लो मोशन में, अगर मैं स्पीड से करूँगा तो ये आराम से गिर जाए। ये जस्ट लाइक मामूली सा एक डैम होता, मतलब इससे भी ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है। अल्लाह हाफिज़।